अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी, 12 लाख दिए जलाकर बनेगा रिकॉर्ड, सीएम योगी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक आज, 40 जिलों के डीएम से करेंगे बात, कोरोना पर होगी चर्चा। कोरोना के बीच बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, दिल्ली में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, 7 दिन में 44 गुना बढ़ा संक्रमण। खराब हुई दिल्ली एनसीआर की हवा, 345 रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स, नरेला बना सबसे प्रदूषित क्षेत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश की सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी। इन 12 लाख दियों में 9 लाख सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में जलाए जाएंगे, तो वहीं 3 लाख दिए अयोध्या के मठ मंदिरों में जलाए जाएंगे। ये सभी दिए शाम 6 बजे से जलाए जाएंगे। 12 लाख दियों के साथ ही योगी सरकार अयोध्या में दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल होंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू आरती भी करते हुए नजर आएंगे। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल भी दीपोत्सव जो है वो भव्य तरीके से मनाया गया था, तो आज सुबह से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो पिछली बार 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए थे, यानी कि लगभग 7 लाख, और इस बार 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। 9 लाख सरयू तट राम की पैड़ी पर, तो वहीं 3 लाख जो मठ हैं, जो मंदिर हैं, वहां पर जलाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जनता से आह्वान किया है कि वो भी एक दिया जरूर जलाएं। तो अयोध्या में भव्य दिवाली मनाने की शुरुआत आज से ही कर ली गई है। आज सुबह से ही तैयारियां कर ली गई हैं, साफ सफाई की व्यवस्था पर्याप्त कर दी गई है, जो वॉलंटियर्स है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, टीमें वहां पहुंच रही हैं जो इस रिकॉर्ड में अपना काम करेंगे, दिए जलाएंगे और पूरी सावधानी के साथ, कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये दिए जलाए जाएंगे। तो 12 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी एक बार फिर से यूपी सरकार करती हुई नजर आ रही है। तो दिए लगभग सरयू तट के आसपास पहुंच चुके हैं और अब दिए सजाने का काम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। शाम के वक्त ये भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा, लेजर शो, तमाम चीजें यहां पर होती हुई नजर आएंगी। पिछले साल की तरह इस साल भी भव्य दीपोत्सव रामनगरी अयोध्या में देखने के लिए मिलेगा, तो एक बार फिर से राम की नगरी अयोध्या जगमगाती दियों से नजर आएगी। तो अयोध्या में भव्य दिवाली मनाने की शुरुआत कर दी गई है और इसकी शुरुआत कल से ही हो गई थी, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज अयोध्या में राम की नगरी में दीपोत्सव मनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। सुबह से ही दिए जो हैं वो सरयू तट पर राम की पैड़ी पर पहुंच चुके हैं, आसपास के जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, वहां पर दिए पहुंच चुके हैं। एक साथ करीब 12 लाख दिए जलाए जाएंगे और फिर एक बार जो सरयू तट है वो रोशनी में नहाता हुआ नजर आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे से योगी रूबी सिद्दकी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, आज भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है, कैसी तैयारियां हैं, कैसा नजारा है? काजोल, देखिए नजारा बहुत ही बेहद ही खूबसूरत तो दिख ही रहा है, इसके साथ ही साथ रोमांचक भी लग रहा है क्योंकि पूरा अयोध्या जो दिए से बिल्कुल सजा हुआ है और अयोध्या जो घाट लगता है वहां पे भी पूरी तरीके से दिया लगा दिए गए हैं और अब इंतजार सिर्फ इस बात का है, जब शाम होगी तो उस शाम में रोशनी जब जलेगी तो वो पूरा देखने लायक होगा क्योंकि रामलला पूरी रोशनी में जगमगा उठेंगे। और इसके साथ ही साथ लखनऊ हो या लखनऊ के आसपास के जितने भी दिए थे उन सभी को तुरंत ही पहुंचवाया गया था ताकि जो इस बार की दिवाली है वो बेहद ही खूबसूरत नजर आए। और इस बार की जो दिवाली है वो काफी खास भी मानी जा रही है क्योंकि योगी
जगन्नाथ पिछले बार भी कोरोना के वजह से उतने धूमधाम से नहीं मना पाए थे दिवाली, लेकिन इस बार जो मौका मिला है वो इस बार जरूर, यहाँ पे उन्होंने कहा था, पहले भी कहा था कि जब दिवाली आएगी तो वो दिवाली इस बार की खास होगी, और वो खास सिर्फ इसीलिए है कि तकरीबन 9 लाख से ज्यादा जो दिए हैं वो जगमगाएंगे और आज से ही शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल रूबी, देखा जाए तो पिछले साल भी दीपोत्सव जो है वो भव्यता के साथ मनाया गया था, कोरोना काल पिछले साल भी था लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये पूरा दीपोत्सव तैयार किया गया, और उसके बाद इस दीपोत्सव की चर्चाएं जो हैं वो विश्व भर में होती रही क्योंकि विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, करीब 6.5 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए थे। इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? पिछले साल हमने देखा था कि वहाँ पर लेजर शो थे, लाइटिंग शो थे और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री थी, इस बार क्या खास है? देखिए काजोल, पिछले बार की अगर हम बात कर रहे हैं, पिछले बार भी खास जरूर था लेकिन जो डिस्टेंस था उस चीज का खास ख्याल रखा गया था, लेकिन वो भीड़ उतनी नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार जो है वो ज्यादा से ज्यादा उम्मीद नहीं जताई जा रही है कि इस बार भीड़ ज्यादा होगी, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ के साथ जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सभी पहुंचेंगे, और आज लखनऊ से पूरी मीडिया, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सबकी जो नजरें हैं वो पूरी अयोध्या पे बनी हुई है, तो आज जो भीड़ इकट्ठा होगी वहाँ पे वो देखने लायक होगी, और जो प्रोग्राम इनके होंगे वो खास तौर से जो प्रोग्राम है, बिल्कुल रूबी, और जो दिए मंगाए गए हैं इस दीपोत्सव के लिए, जो दीपोत्सव में इस्तेमाल होंगे, जो 12 लाख दिए हैं, क्या वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और किन किन इलाकों से सबसे ज्यादा दिए जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं? काजोल देखिए, दिए जो है वो पहले ही पहुंच चुके थे, और जो जो एक जिम्मेदारी दी गई थी कमेटी, अयोध्या कमेटी जो होती है उसकी जिम्मेदारी इसी बात को लेकर थी, जो आसपास के जिले खासतौर से अगर हम बात करते हैं अयोध्या से लगे हुए जितने भी बेल्ट है उन सभी जगह से इन दिए के पहुंच चुके थे। कुछ दिए लखनऊ से हरी झंडी दिए गए थे, और खास बात इस दिए की यही है, गोबर युक्त ये दिए तैयार किए गए, यानी कि आज भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो दिवाली है वो खास तौर से देखने लायक होगी, क्योंकि जो दिए हैं उसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं कि आखिर इस दिए में खास क्या है, तो कहीं ना कहीं इस बार के जो दिवाली है योगी सरकार के लिए बेहद ही खास है, और चुनावी मसले को अगर देखा जाए तो वो भी एक तरीके से माना जा रहा है काफी खास होगी। बिल्कुल रूबी, यानी ये कहा जा सकता है कि जो आज दीपोत्सव मनाने की तैयारियां हो रही है वो पूरे जोरों शोरों से है। देखिए, दीपोत्सव के दौरान पिछले साल कोरोना की वजह से जो आम जनता थी वो नहीं पहुंच पाई थी, और लाइव प्रसारण हुआ था और तभी दीपोत्सव का जो नज़ारा है वो लोगों ने लिया था, लेकिन इस बार क्या रूबी आम जनता पहुँच सकती है वहाँ पर, सरयू तट पर, राम की पैड़ी पर? काजोल देखिए, इस बार व्यवस्था इसी बात को लेकर की गई है, क्योंकि अगर जनता वहां पहुंच रही है तो खास तौर से कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर का, मास्क का, इन सभी का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही साथ जो अयोध्या मंदिर है खास तौर से उन एरिया को काफी बैरिकेटिंग से भी रोक रखा गया कि वहां पे भीड़ इकट्ठा ना हो सके, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो दिवाली है वो भीड़ के साथ साथ एक देखने लायक ये नज़ारा होगा कि व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, क्योंकि अयोध्या के लिए और अयोध्या के आसपास के बेल्ट के लिए। ठीक है, ये तो कोरोना से बचाव की व्यवस्था हो गई, वैसे सुरक्षा व्यवस्था कैसी नजर आ रही है रूबी, क्योंकि चौकसी तो 2-4 दिन पहले से ही बढ़ा दी गई थी, आज कैसी तैयारियां हैं, कितनी पुख्ता हैं? काजोल इंतजाम को लेकर पहले से ही डीजीपी ने अपनी कमान हाथ में ले रखा था, उन्होंने पहले भी कहा था जो पुलिस प्रशासन है वो खास तौर से निगरानी ड्रोन कैमरे से भी करेगी, और आसपास के जितने चौराहे हैं उन सभी सीसीटीवी जो खराब थे, कैमरे लगे हुए थे, उनको ठीक कराया गया, और इसके साथ ही जो सड़क खास तौर से रामलला की तरफ जा रही है उन सड़क के आसपास की कोई भी ऐसी पार्किंग ना की जाए जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो सके, और रही बात कानून व्यवस्था की, कानून को लेकर खास तौर से धज्जियां ना उड़े इसलिए हर एक चौराहे पे एक बटालियन तैयार किया गया है, जिस बटालियन में 12 से 15 लोग होंगे और उन जगह पे। ठीक है रूबी, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल की हम बात करें तो 5 साल पूरे हो रहे हैं और ये आखिरी दीपोत्सव हो सकता है इन 5 सालों का? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की भी सूचना मिल रही है कि वो भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस बार के जो दिवाली है वो वास्तव में चुनावी रणनीति को देखते हुए कहीं ना कहीं बुनाने की जरूर कवायद होगी, लेकिन
अभी जो सूचना जहां तक यही है कि अभी प्रधानमंत्री हो या केजरीवाल हो, अभी ऐसा कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है जिसमें कहा जा सके ये सब कल अयोध्या पहुंचेंगे। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको खास कहा गया है कि कल वहां पे पहुंचा जाएगा और दिवाली को खास करा जाएगा। ठीक है रूबी, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो भव्य दीपोत्सव की तैयारियां सुबह से ही अयोध्या नगरी में देखने के लिए मिल रही है। आज 12 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा दीपोत्सव को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार दोपहर 12 बजे एक समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 39 जिलों के जिलाधिकारियों से वर्चुअली बात करेंगे जहां कोरोना टीकाकरण का कवरेज कम हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि पीएम मोदी बुधवार को झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों में कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में इन राज्यों के सीएम भी मौजूद रह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज समीक्षा बैठक है, 40 जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। कोरोना के पर्पज से ये बातचीत होगी, कोरोना को लेकर किस तरह से वहाँ पर कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन से जिलों में वैक्सीनेशन सही तरीके से हुआ है, कितने प्रतिशत वैक्सीनेट लोग हो चुके हैं, कितने प्रतिशत नहीं हुए हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सिंगल डोज ली है और कितने ऐसे हैं जो दोनों डोज ले चुके हैं, इस पर चर्चा होगी। कितने मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है वहाँ पर, लोगों को किस तरह से वहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, तमाम बातों पर चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जिलाधिकारियों से कर सकते हैं। और उम्मीद ये भी है कि जहाँ जहाँ बातचीत होगी उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। चीन और अमेरिका के बीच इन दोनों मानो कई मुद्दों को लेकर शीत युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते। अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति की आलोचना करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ने G20 COP26 में शामिल ना होकर एक बड़ी गलती की है। बाइडेन ने रूस और चीन के G20 COP26 में शामिल ना होने पर कहा कि मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती हो गई है। दुनिया चीन की ओर देखेगी और कहेगी कि उन्होंने क्या मूल्य वर्धित किया। उन्होंने यहाँ COP में दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता खो दी। उसी तरह मैं रूस के संबंध में तर्क दूंगा। तो जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति पर निशाना साधा है, G20 और COP26 में शामिल न होकर बड़ी गलती की है, ऐसा वो कहते हुए नजर आए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन अब तो तीखे वार जो हैं वो बयानों के माध्यम से रोजाना सामने आते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को संरक्षण दिया, कांग्रेस को एक दिन पछताना पड़ेगा। इधर पंजाब के मंत्री राजकुमार वेरका ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी प्रेम में कैप्टन पंजाब के विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे और नई पार्टी बनाने के ऐलान में पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। पार्टी नेताओं के टूटने के डर से देर रात तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चली। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा और अब पार्टी से ही इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह दे चुके हैं। तो पंजाब के मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा की 3 और अलग अलग राज्य की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें देश के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उनके समग्र विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और लगातार कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दूं कि कल इन सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इनके नतीजे आए हैं, जिसको लेकर जेपी नड्डा एक प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए। और प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का वो आभार जताते हैं जिस तरह से वो लगातार एनडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं।
कोरोना महामारी और डेंगू संक्रमण के बीच दिल्ली वालों के लिए अब एक और नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। राजधानी में स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़ने लगे हैं। स्थिति यह है कि 60 दिन में 44 गुना मरीज बढ़े हैं, जिसे लेकर सरकार भी अलर्ट हुई है। चूंकि इन सभी बीमारियों के शुरुआती लक्षण भी लगभग एक जैसे हैं, ऐसे में मरीजों की समय रहते जांच नहीं होने के कारण अस्पतालों में गंभीर मामले भी बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम ने 30 सितंबर तक की स्थिति को लेकर रिपोर्ट एक जारी की है। इसके अनुसार जुलाई माह तक दिल्ली में 2 ही स्वाइन फ्लू के मामले थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 88 हो चुकी है। इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। 60 दिन में 44 गुना ये संक्रमण बढ़ा है। तो एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ डेंगू और अब स्वाइन फ्लू, यानी कि चारों तरफ से दिल्लीवासी जो है वो मुसीबत से घिरे हुए हैं। लक्षण भी सामान्य हैं, तो ऐसे में स्वाइन फ्लू है या कोरोना है या फिर डेंगू है, ये पता करना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मरीजों के पास समय नहीं मिल रहा है अस्पतालों में जाने का, क्योंकि उन्हें लक्षण समझने में टाइम लग जाता है। इसी वजह से अस्पतालों में संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर बेड भी लोगों को नहीं मिल रहे। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीते कल डीजल के दाम स्थिर रहे, वहीं पेट्रोल के दामों में 31 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर गहरा असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 110.04 रुपए, जबकि डीजल का दाम 98.42 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.85 रुपए और डीजल की कीमत 106.62 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में अगर बात करें पेट्रोल डीजल के दाम की, तो यहां पर पेट्रोल का दाम 110.49 रुपए, बल्कि डीजल का दाम 101.56 रुपए लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 106.66 रुपए लीटर है, तो वहीं डीजल 102.59 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। ऐसे में आम जनता बेहद त्रस्त नजर आ रही है, आम जनता बेहद परेशान है। दिल्ली एनसीआर की हवा 3 दिन से लगातार बिगड़ रही है। 24 घंटों में एनसीआर के अधिकांश शहरों के साथ साथ दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। राजधानी का सबसे प्रदूषित इलाका बवाना 345 औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ रहा। इसके बाद नरेला सबसे प्रदूषित इलाका दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर इंडिया का अनुमान है कि दिवाली की रात तक वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। हालांकि फिर 2 से 3 दिन बाद राहत जरूर मिल सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की हवा काफी ज्यादा दूषित हो गई है। 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले और मास्क जरूर लगाएं। ये पॉल्यूशन से भी बचाएगा और दूसरा कोरोना से भी आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तो मास्क जरूर लगाएं बेवजह। अगर मॉर्निंग वॉक पर भी जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जाएं, वरना घर पर रहकर ही व्यायाम करें। वोटर कार्ड में किसी तरह के बदलाव या गुम होने पर अब नया कार्ड बनवाने के लिए मतदाताओं को खर्च नहीं करना होगा। पहले नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र सहित किसी तरह के भी बदलाव के लिए कार्ड के मद में 25 रुपए का शुल्क लिया जाता था। निर्वाचन आयोग की तरफ से वित्तीय सहूलियत देने से मतदाताओं की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की तरफ से तरह तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। एक महीने के लिए मतदाता उत्सव के दौरान मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के नाम शामिल हो सके। तो निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है, मतदान कार्ड में बदलाव के लिए शुल्क नहीं देना होगा। तो वोटर आईडी अगर आपकी गुम हो गई है या कोई बदलाव है या आप करवाना चाहते हैं, तो पहले जहां 25 रुपए देने होते थे, अब आपको ये शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि मुफ्त में अगर आपका कार्ड खो जाता है तो नया मिल जाएगा आपको, कुछ बदलाव आप चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो ऐसे में अगर बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो तरह तरह के जो चीज़ें हैं, जो बदलाव हैं, वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। और इससे उम्मीद है कि एक बार फिर से जो मतदाताओं की संख्या है
उसमें इजाफा जरूर हो सकता है। यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन में अब एक नया मोड़ सामने आया है। बता दें कि राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार 26 नवंबर तक उनकी मांगे नहीं मानती तो वो 27 नवंबर से गांव के किसान दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर आंदोलन शुरू कर देंगे। ऐसे में हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारियों किसानों से बातचीत की है, देखिए। जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि एक साल होने वाला है, क्या सरकार आपकी बात मानेगी या फिर जिस तरह से एक साल हुआ है उसी तरह से सरकार भी बदल जाएगी? देखिए, सरकार की मानने की बात तो यह है, हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक साल होता आ रहा है, एक साल 26 नवम्बर को पूरा हो जाएगा, या तो 26 तारीख तक ये मान जाएगी। अगर ये नहीं मानेगी तो फिर हम दूसरे तरीके से मनावेंगे। क्या होगा वो दूसरा तरीका? दूसरा तरीका अब क्या बता दें हम, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा तब उसके बाद हम बतावेंगे उसको। कूच तो नहीं होगा 26 जनवरी की तरह? कोई पता नहीं, हम दिल्ली कूच होगा, अगर संसद में कूच होगा, अब कहाँ कूच होगा, ये तो हमारे राष्ट्रीय जो स्तर के नेता है वो जैसा फैसला लेंगे उसके आधार पर होगा। आप उनके सिपाही हैं, जैसा वो कहेंगे जैसा वो करेंगे, जैसा उनका आदेश होगा, जैसा संयुक्त मोर्चे का आदेश होगा वैसा ही काम होगा। और भी किसान मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। चलिए आपसे ही बात करते हैं, आप बताइए, 5 राज्यों में अगले साल चुनाव है तो क्या लगता है, ऐसे में किसान आंदोलन भी है और पूरे देश के किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या असर पड़ सकता है चुनाव पर? आने वाले टाइम में किसान ही बताएंगे इस बात पर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा चुनाव में। ये तो सरकार भी समझ रही है पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और किसानों को की भी सोच है अंदर क्या है उनके, इस बारे में जो है परिवर्तन तो होना ही है। देखो, परिवर्तन तो हर चीज का जरूरी है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा जरूर। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या परिवर्तन हो जाएगा अगर किसान आंदोलन के 3 बिल माफ नहीं होते हैं तो? अगर किसानों के 3 बिल माफ नहीं होते हैं, किसान जो है इतनी महंगाई से इतनी परेशानी से जूझ रहा है देश का, पेट्रोल के डीजल के जो चीज़ किसान के यूज में आने वाली यानी आम जनता के भी आने वाली हैं, उसके यूरिया के दाम, उसकी डाई के दाम, उसके गन्ने में 5 रुपये बढ़े 5 साल में, किसान बहुत परेशान हैं। और ये आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार ये दोबारा आ पाएगी बीजेपी या ना आ पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, जहां एक तरफ चुनाव है वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन अपना एक साल पूरा करने वाला है, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार और किसान के बीच किसी तरह का समझौता होता है या फिर जिस तरह से किसान आंदोलन पिछले 11 महीने से चल रहा है ऐसा ही आने वाले एक साल के बाद भी निरंतर चलता रहेगा। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हमारे थोड़े ये और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।